कोरोना वायरस के संकट के बीच सबसे बुरी तरीके से प्रभावित मजदूरों और एमएसएमई की सहायता के लिए कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान स्पीकअप का आगाज हुआ। अभियान के तहत पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और साथी में समर्थकों ने ऑनलाइन संवाद का अभियान यहां पर शुरू किया। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस का यह दावा है कि इस अभियान में उसके 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं और समर्थकों ने भी हिस्सा लिया। स्पीक अप इंडिया कैंपेन के प्रमुख मुद्दों में आर्थिक बदहाली, प्रवासी मजदूरों के संकट और बेरोजगारी संकट पर चर्चा शामिल है। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार से दो प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग, प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराना और ₹10,000 की तत्काल मदद देना। दूसरी मांग, एमएसएमई को तत्काल वित्तीय मदद देने की है। पिछले दो महीने से पूरा देश कोरोना महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी रोजगार के गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पाँव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे चौपट हो गए, कारखाने बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, पर शायद सरकार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। पहले दिन से ही मेरे सभी कांग्रेस के सब साथियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने और समाज के अग्रणी हर व्यक्ति ने बार बार सरकार को यह कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। मजदूर हो या किसान, उद्योग हो या छोटा दुकानदार, सरकार द्वारा सबकी मदद करने का है। ना जाने क्यों केंद्र सरकार ये बात समझने और लागू करने से लगातार इनकार कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज बुलंद करने का यह सामाजिक अभियान चलाना है। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए ₹7,500 प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से ₹10,000 फौरन दें। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतजाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे और देश की तरक्की भी।